हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी। हमारी पिछली क्लास में हमने जो मानव का उत्थान है उसमें हमने तीन फेजेस को देखा, जिसमें पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में कुछ बातें की थी। 4 मिनट का वीडियो था, आप लोगों ने कुछ शायद वो वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। उसके बाद जो मानव आया उसने एक बहुत बड़ी सभ्यता बनाई, इतनी बड़ी सभ्यता वो बसी कि जिसको हम आधुनिक काल में भी उसकी नकल करना नामुमकिन सा लगता है। तो उस सभ्यता का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। कई सारे उसके नाम और हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, घग्गर हकरा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, कांस सभ्यता, आधुनिक सभ्यता। इसके अलग अलग नाम इसलिए पड़े हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। ये नदी जहां जहां से गुजरी है उसके आसपास बहुत बड़े सेटलमेंट दिखाई पड़े हैं और अभी भी मिल रहे हैं। लगभग 1000 से अधिक स्थानों की खोज की जा चुकी है जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैले हुए हैं और ये कंटिन्यूस है, और भी साइट्स मिल रही हैं। तो ये सबसे मेन जो इसका नाम पड़ा वो सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि ये नदी जहां जहां बही है उसके आसपास बहुत बड़े बड़े शहर मिले हैं हमें। दूसरा, इस नदी के किनारे एक शहर मिला जिसका नाम था हड़प्पा, इसलिए। और सबसे बड़ी साइट हमको जो मिली है वो हड़प्पा में मिली है, ये रावी नदी के किनारे मिला है, आज ये पाकिस्तान में है, तो इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा मैंने आपको बता दिया है क्यों उसका नाम पड़ा है, घग्गर हकरा सभ्यता। घग्गर जो नदी है वो आपके राजस्थान में बहती है, बहुत कमजोर नदी है, बहुत छोटी नदी है, बरसाती नदी है, लेकिन जिस टाइम ये सभ्यता थी उस टाइम ये काफी बड़ी नदी थी। तो घग्गर ही राजस्थान की नदी है और राजस्थान में बहने वाली नदी, और हकरा जो है वो पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, इसलिए इन दोनों के नाम को मिला के घग्गर हकरा सभ्यता भी इसको कहते हैं। ये जो घग्गर है इसको हमारे पौराणिक जो हमारी कथा है उसमें हमने इसको सरस्वती का दर्जा दिया है, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो घग्गर नदी है इसको जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें सरस्वती माना गया है, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो मेक श्योर आप लोगों को ये याद रहे कि सरस्वती सभ्यता कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही सरस्वती सभ्यता कहा जा रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो अगला नाम है वो मेलुहा सभ्यता। तो ये जो सभ्यता जिस वक्त थी उस टाइम जो आपका मेसोपोटामिया का जो रीजन है, जो कि आज का आपका जिसे हम कह सकते हैं जो साउथ जो आपका यूरोप है, जिसमें आज कई सारे देश आते हैं, मोस्टली उसमें इटली आ रहा है, ग्रीस आ रहा है, रोमानिया आ रहा है, ये सब जो देश हैं उस टाइम वहां पे एक सभ्यता फली फूली जिसे सुमेरिया की सभ्यता कहा जाता है। वो सुमेरियंस लोग इस सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका नाम है कांस्य सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। यहाँ का जो मानव है इस टाइम का जो सेटलमेंट था वहां पे हमें ब्रॉन्ज के काफी सारे मेटल्स मिले हैं, ब्रॉन्ज कांस्य से बने हुए काफी सारे औजार मिले हैं, काफी मूर्तियां मिली हैं, और इसमें ये देखा गया कि इस सभ्यता में जो कांसा है, ब्रॉन्ज जो है मेटल, उसका काफी यूज हुआ है, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। अगर आप लोगों के बेसिक जानकारी आप लोगों को हो तो जो ब्रॉन्ज होता है ये मिलकर बना होता है कॉपर और टिन से, कॉपर प्लस टिन, इसका मतलब यहाँ पे कॉपर भी होगा, यहाँ पे टिन भी होगा, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया। तो ये कांस्य सभ्यता कही गई है और इसको आधुनिक सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि जो इनका सेटलमेंट था, जिस तरह ये सिविलाइज होके वहां रह रहे थे, जिस तरह यहाँ पे पक्की ईंटों का काफी काफी प्रयोग मिला है, यहाँ की अच्छी चौड़ी सड़कें मिली हैं, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत बढ़िया था, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका था वो बहुत बढ़िया था, तो काफी चीजों को देखते हुए इसको कहा जाता है कि ये आधुनिक सभ्यता भी थी, एक मॉडर्न सिविलाइजेशन भी थी। तो ये कुछ इसके नाम है, इंडस वैली, हड़प्पा, सिंधु, घग्गर, सरस्वती, मेलुहा, कांस, आधुनिक, ये सब एक ही सभ्यता को कहा जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका जो समय है वो जो उसका फ्लरिश होने वाला समय है, जिसमें वो सभ्यता काफी फली फूली कई सारे शहरों में, वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। लेकिन जो इसका मेन जो इसको ओवरऑल जो इसका टाइम माना गया है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 2000 वर्ष तक ये सभ्यता फली फूली। बाद में किन्हीं कारणों से इसका ह्रास हो गया, पतन हो गया, कि बहुत बड़ा ड्रॉट आया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, और आर्यंस का अटैक हुआ, कई सारे और अलग अलग फीचर्स है, लेकिन ये सभ्यता खत्म हो गई।
तो इसका जो मेन आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल जो इसका समय था वो लगभग 2000 वर्ष का था, लेकिन जो फ्लरिशमेंट का समय था जिसमें पीक में थी सभ्यता वो थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 750 साल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सभ्यता तो हम जो पढ़ रहे हैं इसकी शुरुआत 3300 में नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है लगभग 5000 वर्ष पहले। इसका जो इनिशियल जो हमको साक्ष्य मिला है कि ये सभ्यता चालू कहाँ से होती है, तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे एक पास है, बुलंद पास। पास क्या होता है, दर्रा क्या होता है, जो एक बड़े पहाड़ के बीच में जो सकरीला रास्ता होता है जिससे हम उस पहाड़ को पार करते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पास है जिसका नाम है बोलन पास। इस बोलन पास के पास एक शहर मिला हमको जिसका नाम था मेहरगढ़। सबसे अर्ली जो उसके अवशेष मिले हैं इस सभ्यता के वो मिले हैं मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ को इसका क्रेडल कह सकते हैं, इस सभ्यता का पालना कह सकते हैं कि ये सभ्यता फली फूली कहाँ से, तो फली फूली है मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ आज अफगानिस्तान में है, और ये है कहाँ पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान का एक राज्य है जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, इसकी राजधानी क्वेटा है। तो बलूचिस्तान से लगता हुआ अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहां पे बोलन पास है, और बोलन पास के पास जो शहर मिला है वो है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में शुरुआत शुरुआत शहर माना जाता है, या शुरुआती वक्त माना सकता है। इस वक्त की जो मैं बात कर रहा हूँ लगभग 4500 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ। इस टाइम से सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो फली फूली कब, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में। उसके कम से कम 500 से अधिक शहर हमको मिले हैं जो हमने रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से उनकी उम्र जानी है, तो मालूम चला है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में तो ये सभ्यता पूरे अपने चरम में थी। लेकिन शुरुआत इसकी लगभग 4500 ईसा पूर्व के समय से मानी गई है, जो कि मेहरगढ़ की है। तो ये जो शहर है मेहरगढ़, इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा नहीं कि हड़प्पा में शुरू होती है और हड़प्पा में खत्म हो जाती है, मोहनजोदड़ो में खत्म हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन वो है स्थान है वो है मेहरगढ़। जब ये सिंधु घाटी, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा IVC, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ फल फूल रही थी तो मेसोपोटामिया, में एक सभ्यता फल फूल रही थी, और एक इजिप्ट में, जैसे हम अभी मिस्र कह देता हूं मैं, मिस्र में फल फूल रही थी। ये पहली सभ्यता, ये दूसरी, ये तीसरी, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है 33 आर दी अर्ली क्रेडल्स ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब प्राचीन सभ्यता की ये तीन पालने हैं जिन्होंने दुनिया को रहना सिखाया, जीना सिखाया। पहली तो आपकी है हड़प्पा वाली, दूसरी जो मिस्र की सभ्यता है, और तीसरी जो है मेसोपोटामिया की। ये मेसोपोटामिया वाले हड़प, हम जो है इनको बोलते थे सुमेरिया, सुमेरियंस, सुमेरियन की सभ्यता। आपसे पूछा सुमेरियन सिविलाइजेशन कौन सी है, तो बात हो रही मेसोपोटामिया की। ये जो मेसोपोटामिया वाले हैं ये हमको बोलते थे मेलुहा, उनकी अलग भाषा में हमारी जो सभ्यता के ये लोग थे इनको मेलुहा कहा गया। जैसा कि आप जानते हो हमारी जो सभ्यता है इसमें सबसे मेन जो नदी थी वो सिंधु नदी थी, इसके अलावा भी रावी, व्यास, घग्गर, अलग अलग भोखा, बहुत सारी नदियां थी। ये जो मिस्र में है, इजिप्ट में है, यहाँ कौन सी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली। और मेसोपोटामिया जो है ये आपकी दो नदियां जिसे हम कहते हैं इफ्रेट्स, इफ्रेट्स और टिग्रिस, इनके ऐसे ही नाम है, इसका हिंदी नाम देख लीजिएगा आप लोग। दो नदियों के बीच में सभ्यता फली फूली, टिग्रिस और बसरा कहते हैं, वैसे फ्रेट्स को हिंदी में बसरा कहते हैं। तो दो नदियां के अगल बगल ये मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी, नील नदी के आसपास बसी इजिप्ट की सभ्यता, और हमारी सभ्यता आप जानते ही हैं सबसे मेन जो नदी थी वो सिंधु घाटी सिंधु नदी थी, उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग नदियां थी। तो ये जो तीनों है इनको मिला, तीनों को मिलाकर बोलते हैं दीज थ्री आर दी अर्ली क्रेडल, मतलब पालना, छोटे बच्चे का पालना होता है जिसमें वो झोला छोलता है, क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, ये तीनों को मिला के कहा जाता है।
अर्ली क्रेटर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, कभी पूछ ले अर्ली क्रेटर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन में कितनी सभ्यता थी, 3 सभ्यता थी। इसका ये मतलब नहीं कि इस टाइम ये 3 ही सभ्यता फल फूल रही थी, नहीं, इस टाइम पे 3 सभ्यता और थी। एक थी आपकी चाइना में, एक आपकी थी पेरू में, पेरू जो है वो साउथ अमेरिका का देश है जहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, और एक सभ्यता चल रही थी आपकी ग्रीस में। तो मोटे तौर पे हमने 6 सभ्यताओं की बात कर ली, और अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा हमारी अपनी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, अलग अलग हमने इसको नाम दिए हैं। बात करते हैं इसकी IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हमने एक मैप के तौर पे बनाऊं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, कहाँ तक ये फैली हुई है मोटे तौर पे देखते हैं, तो ये जो है आपका साउथ में, ये दैमाबाद नदी भी ध्यान रखनी पड़ेगी, गोदावरी नदी, बात करेंगे इसके बारे में। ईस्ट में हम चलते हैं तो ये आलमगीर नाम की जगह है आपके मेरठ जिले में, और यहाँ पे जो नदी है उसका नाम है हिंडोन नदी, आज ये नदी नहीं नाला बन चुका है। और वेस्ट की बात हम करेंगे तो यहाँ पे है सुतकानदोर, यहाँ पे सिंधु नदी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर भारत की बात करेंगे तो जगह है मांडा जम्मू कश्मीर में, और इसके ऊपर अपन चलते हैं तो इसके ऊपर जो जगह है उसका नाम है सुरतोगई जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। यहाँ पे जो नदी है उसका, उसको हम ऑक्सस रिवर कहते हैं, ऑक्सस रिवर हिंदी में इसे कहते हैं अमोदरिया। सुरतोगई ये आपका है पाक अफगान बॉर्डर में, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये आपका J&K में। तो ये मोटे तौर पे हमने देखा इसका, ये कितनी, इसका फैलाव कितना था। अगर सुदूर पश्चिम की बात करें तो सुतकानदोर है, ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में है। सुदूर दक्षिण की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र में ही दैमाबाद नाम की जगह है जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर है। सुदूर पूर्व की बात करें तो ये आलमगीर जो कि मेरठ जिले में है, हिंडोन नदी के किनारे। और सुदूर जो आपका जो फार मोस्ट नॉर्थन पार्ट है उसमें, अगर आप इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें तो ये मांडा नाम का शहर है, मांडा नाम की जगह है। और उसके ऊपर चलते हैं तो ये सुरतोगई नाम की जगह है जो कि आपके आमोदरिया नाम के जगह पे स्थित है, सुरतोगई जो कि पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पे स्थित है।